हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रुचि और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चना जोर गरम की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, बनाना भी बहुत इजी है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप जब भी इसको धूप में या फैन की हवा में इसको ड्राई करें, सुखाएं, तो ये बहुत अच्छे से सूख जाएं। अगर ये सॉफ्ट रहेंगे तो आप जब इसको फ्राई करेंगे तो भी ये क्रंची नहीं बनेंगे। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। चना जोर गरम बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम चना लिया है, उसको पूरी रात भिगो कर रखा है पानी में और सुबह करीब 2 सीटी कुकर में लगाकर उसे बॉयल कर लिया है। इसको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, बस इतना बॉयल करना है कि आपके पुश करने से इस तरीके से चपटा हो जाए। अब हम इसको किसी चॉपिंग बोर्ड पर या पटे पर, किसी भी फ्लैट चीज़ पर इसको दबाएंगे। चलिए आइए अब इसको वैसे ही करते हैं। चना जोर गरम बनाने का तरीका है, चने जो हैं उनको इस तरीके से पुश कर लीजिए। अगर आपके अंगूठे से पुश हो जाते हैं तो इससे कर लीजिए, नहीं तो इसका एक और आसान तरीका है, कोई भी आपके पास इस तरीके की अदरक कूटने वाली कुटनी है उससे भी मैं इसको पुश कर सकती हूँ, ये इससे भी ऐसे दब जाएगा। या एक तरीका ये भी है कि आप ढेर सारे रख लीजिए, किसी भी कटोरी से या किसी भी ग्लास से दबाने वाली चीज़ से आप इसको भी दबा सकते हैं। ये लीजिए, हम इस तरीके से इसको दबाकर इकट्ठा कर लेंगे। हम ये सारे चनों को इस तरीके से चपटा कर लेंगे क्योंकि चना जोर गरम चपटा होता है, और फिर उसके बाद हम इसको फ्राई भी करेंगे और रोस्ट भी करेंगे। ये लीजिए, इसी तरीके से आप जितने भी चने आप बॉयल करके रखे हैं आप ऐसे ही किसी भी प्लेट में या चॉपिंग बोर्ड पर उसे दबाकर चपटा कर लीजिए और फिर इसको किसी प्लेट में या बड़े बर्तन में फैलाकर पूरी रात फैन के उसमें रख दीजिए या फिर पूरा एक दिन धूप में रख दीजिए, जिससे कि ये अच्छे से सूख जाएं। सूखने के बाद ही आप इसको फ्राई कीजिए। ये लीजिए, मैंने इसको पहले ही रेडी करके रखा हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से सूख जाएंगे आप धूप में या पंखे की हवा में अगर सुखाएंगे, और ये एकदम टाइट भी हो जाते हैं, और जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे और बहुत टेस्टी लगते हैं। पहले हम थोड़े से चनों को आपको रोस्ट करके दिखाते हैं, फिर थोड़े चनों को आपको फ्राई करके दिखाएंगे। तो पहले हम रोस्ट करते हैं। चना जोर गरम बेक करने के लिए हम पैन में पहले थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये नमक मैं ऑलरेडी कई बार पहले ट्राई कर चुकी हूँ, इसमें जब भी कोई चीज़ बेक करती हूँ इसलिए इस नमक को यूज़ कर चुकी हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा काला काला दिख रहा हो तो टेंशन मत लीजिए, मैं उसको संभाल कर रख देती हूँ बेक करने के बाद, जिससे कि ये बाद में भी यूज़ हो सके। हम इसको इसमें पैन में ऐसे फैला देंगे इस तरीके से, और इस तरीके का जो स्टैंड होता है ये आपके पास सभी के पास मोस्टली होता ही है, इसको रख देंगे। और ये अगर नहीं है तो कोई छोटी सी कटोरी या बाउल रख दीजिए और इसको गर्म हो जाने देंगे। पैन गरम हो जाएगा फिर हम इसके ऊपर चना जोर गरम रखेंगे। ये लीजिए, पैन गरम हो गया है। अब हम कोई भी प्लेट में थोड़े से चना जोर गरम रख करके उसको अच्छे से फैला देंगे और इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और ये बेक हो जाएगा। ये लीजिए, 5 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे कि बेक हुआ है या नहीं, अगर नहीं हुआ होगा तो हम इसको फिर से रख देंगे। 5 मिनट्स हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। ये लीजिए, चना जोर गरम बेक हो गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम चना जोर गरम फ्राई करेंगे, पैन गरम हो जाएगा उसके बाद इसमें ऑयल डालेंगे। पैन गरम हो गया है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे।
तेल गरम हो गया है, लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, डालते ही इसमें बबल्स उठना शुरू हो गए और चना भी ऊपर आ गया। इसका मतलब हमारा तेल रेडी है। अब हम इसमें इसको फ्राई करेंगे। फुल फ्लेम पर ही इसे फ्राई कीजिए, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा तो गलाना नहीं है, बस हल्का सा क्रंची करना है। इस तरीके से छलनी में डाल के हम तेल में डालेंगे, जिससे कि ये तेल में फिर इधर उधर बिखर जाएंगे और फिर उसको निकालने में भी प्रॉब्लम आती है। तो छलनी में करके आप इसको तलिए, बहुत अच्छे से तल जाएंगे। ये देखिए, अच्छे से क्रिस्पी हो रहे हैं। चने तो वैसे ही बॉयल भी हैं, धूप में सुखाए हुए भी हैं, बस हल्का सा इन्हें क्रंची करना है, इनका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। ये लीजिए, इसको बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई मत कीजिए। बस ये हो गया है, 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है और ये रेडी। इसी तरीके से हम सारे चनों को फ्राई कर लेंगे। हम बाकी भी चनों को इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए, फ्राई हो गए हैं। ये देखिए, इसके साउंड से ही आपको लग रहा होगा ये कितने क्रिस्पी हो गए हैं। ये लीजिए, चना जोर गरम रेडी है। ये मैंने रोस्ट किया था और इसको फ्राई किया था, इसको तेल में फ्राई किया था। दोनों ही तैयार हैं। आप चाहे ये बना लीजिए, चाहे ये बना लीजिए, और आप इसमें मसाले ऐड करके इसको खा सकते हैं। आप इसको 2 या 3 वीक के लिए जार में स्टोर करके भी रख सकते हो। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए।